स्पेन एम्बेसी का लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स की करने का प्रोसेस टाइम, वीज़े का प्रोसेस टाइम, और क्या लीगलाइजेशन के ख़त्म करने के हवाले से क्या अपडेट है कि लीगलाइजेशन ख़त्म होने वाली है, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पेन एम्बेसी के अपडेट के हवाले से बात करेंगे, जिसमें स्पेन एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स को जो लीगलाइज़ करके देती है TCS वीज़ा ट्रोनिक्स के थ्रू, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में होकर स्पेन एम्बेसी से लीगलाइज होकर वापस आते हैं, तो उसका टाइम फ्रेम जो आजकल चल रहा है वो 10 दिन से लेकर 40-45 दिन का टाइम है। यानी एक आप कह सकते हैं कि किस तरह का टाइम फ्रेम है कि 10 दिन से लेकर 40 दिन, 25-30 दिन का समझ आती है, 30-35 दिन की समझ आ जाती है, या फिर अगर 10 का फिगर आ रहा है तो 10-15 दिन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ही है, 10 से लेकर 40-45 दिन का टाइम ही लग रहा है। किसी किसी एप्लीकेंट को 10-12 दिन बाद कॉल आ रही है, 2 हफ्ते बाद कॉल आ रही है, और किसी किसी को 1.5 माह बाद कॉल आ रही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर आ गए हैं। तो ये एक रैंडम सा टाइम फ्रेम क्यों चल रहा है, इसका तो कोई मुझे पता नहीं है कि क्यों चल रहा है, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए जब आप जमा करवाएंगे तो आपने अपने जहन में उसका एवरेज टाइम 1 महीना रखना है कि 1 माह लगेगा, 30 दिन लगेंगे, ये आपने एक एवरेज अपने जहन में, अपने माइंड में रखनी है। कॉल हो सकता है आपको 10-12 दिन बाद आ जाए, या हो सकता है आपको 30-35 दिन बाद आए। तो इसका एक रैंडम सा टाइम फ्रेम चल रहा है मुख्तलिफ एप्लीकेंट को मुख्तलिफ, ये इसमें यह भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हों या कम हों, कि किसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया तो वो जल्दी हो के आ गया और किसी ने 10-12 दिए तो उसके लेट हुए हैं, ऐसा भी मामला नहीं है, ये बिल्कुल रैंडमली चल रहा है। और इसके बाद बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से। वर्क वीज़ा और EU फैमिली मेम्बर वीज़ा और विजिट वीज़ा की जो कैटेगरी है, इसका जो एवरेज टाइम है वो 3 माह का टाइम चल रहा है, कि 3 माह बाद उनका जवाब आ रहा है या 3 माह के अंदर अंदर उनका जवाब आता है। जो फैमिली रीयूनियन कैटेगरी का वीज़ा है उसका जो प्रोसेस टाइम है वो भी लीगलाइजेशन की तरह एक बड़ी विंडो पर चल रहा है, 1 माह से लेकर 6 माह तक का टाइम चल रहा है। 1 माह में 30-35 दिन में भी वीज़ा मिला है एप्लीकेंट को फैमिली रीयूनियन कैटेगरी का, और 6-6 माह भी लग रहे हैं लोगों को वीज़ा मिलने में। तो लीगलाइजेशन और फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ये वैसे भी दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, फैमिली रीयूनियन वीज़ा फाइल जमा करवाने के लिए लीगलाइजेशन लाजमी होती है, और जब तक लीगलाइजेशन है तब तक तो लाजमी है, इसलिए इनका, इन दोनों चीज़ों का जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल रैंडम चल रहा है, कि उसका एक बहुत बड़ी विंडो खुली हुई है, उसमें से किसी की भी बारी आ जाती है और उसको बंदे को पासपोर्ट वगैरह या डॉक्यूमेंट्स अपने मिल जाते हैं। किसी ने पहले जमा करवाया और अभी तक इंतज़ार कर रहा है, और किसी ने बाद में जमा करवाया और वीज़ा भी लेकर चला जा चुका है। अब लीगलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं कि लीगलाइजेशन का क्या सीन है। लीगलाइजेशन का जो आ रहा है कि 9 मार्च से लेकर, 9 मार्च 2023 से लेकर ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करने के लिए, वीज़ा फाइल के लिए एम्बेसी से, किसी भी एम्बेसी से लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, मोस्टली एम्बेसीज से, ऐसा नहीं है कि सब एम्बेसीज के लिए होगा, लेकिन स्पेन उनमें शामिल है कि आपको लीगलाइजेशन नहीं चाहिए होगी। फॉरन ऑफिस से अपोस्टल स्टाम्प लगेगी डॉक्यूमेंट्स पर, उनकी नई अटेस्टेशन होगी, वही अटेस्टेशन हर जो भी एम्बेसी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है उसमें काबिल कबूल होगी। स्पेन एम्बेसी की स्पेसिफिक बात करते हैं कि उसमें काबिल कबूल होगी, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपने स्पेन एम्बेसी से लीगलाइज नहीं करवाने पड़ेंगे। इसके मुतलक जो मज़ीद अपडेट है वो जब ये काम शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा, जब ये प्रोसेस शुरू होगा, इफ़ेक्टिव होगा 9 मार्च 2023 से लेकर, तब इसकी कन्फर्मेशन होगी कि इसमें क्या क्या तब्दीली हुई है और जो प्रोसेस है वो अब किस तरह काम करेगा। फिलहाल तो यही है कि लीगलाइजेशन आप डॉक्यूमेंट्स की करवाएं। जिन लोगों ने 9 मार्च से पहले पहले बल्कि 8 मार्च को भी अगर किसी ने अपनी फाइल सबमिट करनी है तो वो लीगलाइजेशन के प्रोसेस में अभी से चला जाए, क्योंकि लीगलाइजेशन उस डेट के बाद ख़त्म हो रही है, उस डेट से पहले पहले जिसने भी जाना है उसके लिए लीगलाइजेशन लाजमी है। तो अगर कोई इस इंतज़ार में है कि आपका वीज़ा आया हुआ है, वर्क वीज़ा हो या फैमिली वीज़ा हो, आपका आया हुआ है स्पेन से,
वहाँ से लेटर इशू है, वीज़ा सेलेक्ट लेटर आपका निकला हुआ है, तो आप इस इंतज़ार में अगर लीगलाइजेशन ख़त्म हो ले मैं डायरेक्ट फाइल ही जमा करवाऊँगा, तो आप इस तरह ना करें। ये ना हो कि आपका वो वीज़ा लेटर एक्सपायर हो जाए और आपका, क्योंकि वीज़ा लेटर आया हुआ है और आप इन दिनों में कुछ कर नहीं रहे, इस वजह से आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम बने कि आपके पास जब टाइम था, जब वैलिडिटी थी वीज़ा की, तब लीगलाइजेशन लाजमी थी, तो आपने क्यों नहीं करवाई। तो ये इस तरह का मामला है। अगर तो किसी का फैमिली का वीज़ा इन दिनों में निकले तो वो इंतज़ार कर ले, क्योंकि उसके पास 2 माह का टाइम होता है वीज़ा फाइल जमा करवाने के लिए। अगर किसी का वर्क वीज़ा निकला है और वो इस इंतज़ार में है कि मैं 9 मार्च के बाद जमा करवाऊँ, अगर इन दिनों में वर्क वीज़ा निकल चुका है स्पेन से, तो इंतज़ार ना करें, लीगलाइजेशन के लिए अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेज दें, क्योंकि आपको चाहिए होगा। 9 मार्च के बाद जो होगा वो बाद में देखेंगे, इस वक्त आप वही करें जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है। तो लीगलाइजेशन के मुतल्लिक ये एक खसूसी अपडेट थी कि इसकी तरफ अपनी तवज्जो लाजमी रखें। अगर आपने अपनी फाइल इन दिनों जमा करवानी है तो लीगलाइजेशन की पहले जमा करवा दें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये थी अपडेट्स मैन एम्बेसी के वाले से, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।